कौन हो तुम? करण यहाँ आया था? वो यहाँ तो नहीं आया। करण यहाँ आया था क्या? वो यहाँ से चले गए। हाँ बोल छोटे। मैं तो सब जगह ढूंढ लिया भाई, वो कहीं नहीं है भाई। सब जगह देख लिया ना? देखा है? भाई ठीक है चला जा। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो है, चलो 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 चलो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 2624 अपने निर्धारित समय पर 10:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी ट्रेन की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। इस दुनिया में मां से बढ़कर दूसरा भगवान ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा, और हमें संसार में सबसे बढ़कर आंखों का दान, रक्त दान, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। अभी तक हम लोग 1,00,000 लीटर खून का और 15,000 जोड़ी आंखों का दान कर चुके हैं। अब हम इस संस्था के संस्थापक मिस्टर करण साहब को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। पैसा, सोना, दिल, आंखें, इनको दान करते हुए मैं बहुत सुना है, लेकिन आज पूरे शरीर को दान करने वाले हस्ती हमारे सामने है। वैसे तो बुजुर्ग है, इससे वे बहुत खुश भी हैं। इसी उम्मीद को लेकर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति को वो अपना ही मानते हैं। उनकी गोद ली हुई बेटी अम्मा पार्वती, उनका भी यही कहना है कि पूरा संसार ही उनका परिवार है। रक्तदान करना एक आम बात है, हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा है। जो रक्त आज हम दे रहे हैं, वो खून हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारे जान पहचान वालों को या माता पिता को या कल खुद के लिए भी काम आ सकता है। माँ के बिना संतान नहीं हो सकती। कोख हो या गोद हो, बचपन हो या जवानी हो, औरत हो या मर्द हो, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी जो जिंदगी है वो उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद है।
अब उदाहरण के रूप में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे मोहम्मद दलगा शेषाद जो 1.5 साल का बच्चा है, उसकी पैदाइशी आंखें नहीं है। उसको इलाज के लिए चेन्नई लाया गया है। उसकी मां की भी एक आंख पैदाइशी कमजोर है। चेन्नई महिला समाज की चेयरमैन वेंकटेश की मां ने अपनी आंखें उस बच्चे को दान की है और उनकी आंखें उस बच्चे को लगा दी जाएगी। अब मोहम्मद दलगा इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेगा। अभी तक जिन आंखों ने भगवत गीता पढ़ी है, अब वही आंखें कुछ दिनों में कुरान पढ़ेगी। कोई भी आंखें ये नहीं जानती कि उनका मजहब क्या है। अरे करण, आजा आजा आजा। कैसे हो भाई? ठीक है ना? ठीक हूँ यार, तू कितने दिनों के बाद आया? अंकल आंटी किधर हैं? अच्छे हैं। मम्मी देखो तो कौन आया। आंटी आप कैसी? आंटी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। नमस्ते अंकल, आप कैसे? नमस्ते बेटा। ए ए ए छोटू, ये सब तेरे लिए है। खाना नहीं खाया होगा ना तूने? जा अंदर जाके खाना खा ले। अरे बेटा, ए भाभी नहीं है क्या? है यार, यहीं पे ऊपर कुछ काम कर रही होगी वो। बेटा इतना दुबला क्यों हो गया है? माँ वो जब देखो काम काम करके भटकता रहता है ना। माँ शालिनी देखो ना कौन आया है। ए क्यों रो रही है? हाँ शालिनी, घर आए लोगों से तुम बात नहीं कर सकती हो क्या? आने वाले आते रहते हैं, उससे मुझे क्या। बेटा तुम दूध पियो। ये ठीक है। मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ सब लोग बिल्कुल ठीक। अच्छा। है उनकी शादी की सालगिरह में एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सबको जरूर आना होगा। आएंगे बेटा। हाँ, जरूर आएंगे। ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ अंकल। चलता हूँ। खाना खा के जाना बेटा। मैं दोबारा आऊंगा तो जरूर खाऊंगा। मैं चलूं? अच्छा नमस्ते बेटा। ए आज रुक जाना यार। मैं चलता हूँ यार, अंकल आंटी को लेकर जरूर आना। ठीक है, हो सके तो भाभी को भी जरूर लाना। ठीक है यार। अच्छा कल आ जाना। हाँ ठीक है, चलता हूँ आंटी। ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा? लड़की वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और तुम हो कि हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे रहे हो। देख बेटा, तू आज के आज हाँ कर दे तो कल के कल हम तेरी मंगनी के साथ तेरी शादी की तारीख पक्की कर दे। तुम्हारी माँ को यह खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ भी खूबसूरती में लाखों में एक है। जिससे मैंने शादी की इसकी जैसे ही खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ ने पुजारी की बेटी को पसंद किया है। सरस्वती की तरह खूबसूरत और महालक्ष्मी जैसे गुण है उसमें। अगर तेरे मन में कोई हो तो उसे बता दे, आगे तेरी मर्जी। तुझे कैसी लड़की चाहिए, किसके साथ शादी करनी है, यह फैसला तुम्हें करना है बेटा। या फिर तेरी नजर में कोई लड़की हो तो वो बता दे, नहीं तो 5 साल के बाद सारी लड़कियां तुम्हें भाई कह के बुलाएंगी। अब शादी में देर मत करो। क्या तुम ये अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम हमारी पसंद छोड़, अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। अरे छोड़ो डैडी, आप जब देखो शुरू हो जाते हैं। मैं चलता हूँ अम्मी। नमस्ते, आइए। नमस्ते, आइए। नमस्ते। ये क्या तुम अकेली आई हो? भाई साहब कहाँ हैं? भैया की जिद के वजह से मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आई हूँ। नमस्ते। अरे साले साहब। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से कब आए? आज ही आया हूँ। आते ही सामान घर पर रखा, सीधा यहाँ चला आया हूँ। शादी से पहले ही मेरी सहेली है, तुम मेरे भाई हो, आज दोनों के दोनों मेरे साथ हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए। शुक्रिया। क्यों बेटा, शादी की सालगिरह में इतनी तामझाम क्यों करा दिया? अरे छोड़ो ना माँ, आप लोगों की शादी की तामझाम की चर्चा बहुत सुनी है,
उस वक्त पूरा गांव था, बस मैं नहीं था। तुम्हारे शादी को सबने देखा है, बस मैंने नहीं देखा, इसीलिए सारा इंतजाम। क्यों नहीं, मुझे उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। क्या, मेरा भांजा जब 5 साल का हुआ था तब मेरी शादी हुई थी। अरे मैं क्या नजराना पेश करूं। हाँ ये ठीक रहेगा। माँ जी आइए आइए। अरे आओ आओ, अब तक कहाँ थे। माँ जी ये किसे पेश करूं। जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो। मेरी इतनी बड़ी तोहीन, लगता है मैं पकड़ा गया। आइए 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 आइए, यहाँ से आइए आइए। नमस्ते, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा करण जी। वैसे सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, कमल के यहाँ से कोई नहीं आया। आइए। वो लोग आते ही होंगे, मैं जाके देखता हूँ, उन्हें लेके आता हूँ। हाँ आइए आइए। अरे सुन सुन सुन, उधर वालों का हो गया क्या। हाँ उधर सब हो गया है, सभी लोग आए हैं ना। हाँ हाँ देख यहाँ भी सब चल रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ तू चिंता मत कर। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप। अच्छा अच्छा। नमस्ते, कैसे अंकल आप। अच्छा। हाँ बस बढ़िया। नमस्ते बेटा करण जी। डैडी यहाँ आओ, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ चलना है। आपको जो भी कुछ चाहिए सामान है। आपको क्या चाहिए। हाँ खाइए ना, थोड़ा सा तो नहीं। इधर देखो, अरे सामान जरा अंदर ले जाकर रखो। इधर ले जाना, अंदर आइए काका। आप यहाँ आइए आइए, इधर आइए। ये तलवार। हाँ आओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, निकलो इधर जाओ जल्दी। हाँ अंकल आइए ना। हाँ आंटी जी आराम से। हाँ नमस्कार। हाँ यहाँ बिल्कुल ठीक है सर जी। हाँ ले जाओ ले जाओ, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, संभाल के लेके जाना अंदर। माताजी आप इस तरफ से जाइए। बाला अंकल, भाई साहब आइए आइए ना भाई साहब, ठीक है कोई बात नहीं। अंकल हाँ, आओ बेटा। क्या हुआ अंकल। हाँ? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ बेटा मैं लेके आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप उधर संभालिए, मैं लेके आता हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है। हाँ? अंकल कुछ नहीं बेटा, उस दिन हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। क्या बकरी हो शालिनी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे माँ बाप को देखती हूँ तो मेरे सिर पे खून झड़ जाता है। दिल करता है मैं उनका गला दबाकर गड्ढे में फेंक दूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। ये कोई घर है या बुड्ढों का आश्रम। शालिनी जुबान को लगाम दो। नहीं रहूंगी, जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ है मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उन्हें इस घर में देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें किसी आश्रम में छोड़ दो। क्या बकरी जा रही हो, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। उनका मेरे सिवा यहाँ कौन है, उन्हें मैं इस घर से कैसे निकाल सकता हूँ। क्यों, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आई। अरे तेरे माँ बाप को देखने के लिए तेरा भाई है ना, इनको देखने के लिए यहाँ पर कौन है। पागलों की तरह कुछ भी पके जा रही है तू। कौन पागल है, मैं पागल हूँ या तुम पागल हो। अरे बाप रे, चलो मैं पागल हूँ लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी इस तरह गवारों की तरह बात कर रही हो। अरे अपने आप को देखो, 9 बजे सोकर उठती हो तुम, तभी किसी ने तुम्हें कुछ बोला यहाँ पे। जब देखो तुम मनमानी करती रहती हो, घर की सफाई कपड़ा बर्तन यहाँ तक कि खाना बनाने का काम भी मेरी माँ करती है। सब्जी भाजी लाना, घर में बच्चा संभालना, ये सारा काम मेरे पापा करते हैं। मेरे माँ बाप ने तुम्हें कभी एक काम करने के लिए बोला है। ठीक है तुम घर का काम नहीं करती हो, कोई बात नहीं, दोबारा उन्हें निकालने की बात मत कहना, मेरी बात समझो शालिनी। ये सब वो सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुँचेगा तुम्हें पता है। तो, सुनने दो, सुन लेने से क्या वो घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ
हम लोग सुबह से आ गए थे। शर्म के मारे हम लोगों को तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे प्यार में ही कोई कमी थी बेटा। घर में आने वाली बहू अच्छी खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, गुड़ी हो, ये हर कोई सोचता है, लेकिन अच्छे गुण वाली हो ये कोई नहीं सोचता। इस बुढ़ापे में बहू के ताने और जुल्म सहने के बाद भी इज्जत ना मिले तो हम लोगों को यहाँ रहकर क्या फायदा? किसी को दोषी ठहरा के कोई मतलब नहीं। हमारे सुख दुख को बेटा हमेशा तुम बांटते आए हो। तेरा दिल हमको देख कर ना दुखे, इसलिए सामने आने से घबरा रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग यही रहेंगे, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग को मेरे रहते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए आंटी। नहीं बेटा, तू चाहता है कि हम यहाँ रहें। बचपन से तुम लोग एक साथ पढ़े हो, उसको अच्छी नौकरी देकर तुमने अपने साथ रखा है उसको, यही खुशी की बात है। हम लोग यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे मम्मी डैडी को पता चल जाएगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। बेटा जा, तू जा घर के मेहमानों को संभाल। आंटी आप भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए ना अंकल, चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा तुम जाओ। आंटी मैं आप लोग को लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ? जा बेटा जी, प्लीज आप लोग चलिए ना। जा। बेटा करण, मैं ये कह रही थी बेटा, हम लोग यहां से निकल रहे हैं। हम लोग जहां भी रहेंगे तुम्हें बता देंगे, तुम फिक्र मत करना बेटा। माँ बाप को तुम दोनों क्या समझते हो, घर का नौकर? तूने अपनी बीबी को सर चढ़ा रखा है। अरे मैं उस चुड़ैल को समझा के थक गया हूँ यार, तू बता मैं क्या करूँ यार। ज्यादा कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की बात करती है वो चली गई तो उसके घर वालों के सामने मुझे हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। कब तक इस जिल्लत उठाऊंगा मैं यार? मम्मी डैडी घर छोड़कर चले गए हैं, मैं कितना तड़प रहा हूँ उनके लिए यार। आज मेरी बीवी की वजह से मेरे माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं करण, ऐसा लगता है मैं कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं। हमें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले देवी देवता को घर से निकाल देते हैं। पैसा, बीबी, ऐशो आराम ही आजकल हम लोगों का स्वार्थ बन चुका है। लानत है, ये भी कोई जिंदगी है? मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ यार, तुझको बता नहीं सकता। शादी के बारे में सोचता हूं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस वक्त आप टीवी चैनल पर बहू बेटी प्रोग्राम में एक तेज तर्रार झगड़ालू बहू का रूप देखा। अब
हम आपको एक अच्छी संस्कार वाली लड़की से मिलवाने जा रहे हैं, जो इसी गांव की है। एक बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुई ये लड़की यहाँ के लोगों की जुबा पर एक मिसाल बनी हुई है। सिर्फ वो ही नहीं, उसका परिवार भी देवी देवताओं के समान है। अब हम आपको मिलवाते हैं कल्लौरी गांव की माधुरी से। चलिए मिलते हैं। नमस्ते माधुरी। नमस्ते, इस घर की बेटी की तरफ से आपका स्वागत है। माधुरी, 10 सालों के बाद आप क्या बनोगी? अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनना चाहूंगी। मैं अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होना चाहूंगी। अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी बढ़कर समझूंगी। ससुराल में सबके लिए मैं प्यारी बहू बनकर दिखाऊंगी। तुम 21वीं सदी की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी सब रिश्तों को समझती हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो संस्कार घर वालों से मिला है उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे फिलहाल आपने औरों के होते हुए भी ये जानने के लिए मुझे ही चुना, इसी तरह संस्कार घर से ही मिलते हैं। गलत रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन उस गलती को सुधार कर सही रास्ते पर लाना ही समझदारी है। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। अब हमारे शहर को ले लीजिए, 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं, 10 लाख अमीर लोग रहते हैं, 10,000 मंदिर और मस्जिद है। ये सब सुनते ही हम लोगों को कितना गर्व महसूस होता है। उसी तरह 4 लाख अनाथ और 8 लाख बूढ़े मजबूर रहते हैं, लेकिन इस बात पर हमें कोई फक्र महसूस नहीं होता। सब अपनी शान दिखाने को ही शान समझते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हमें अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना चाहिए, माता पिता के बारे में, अपने संतानों के बारे में। एक औरत ही घर को बना के रखती है, और ये संस्कार हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ही मिला है। जो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता, वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा। तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल सास बहू का झगड़ा आम बात हो गई है। फिर तुम एक अच्छी बहू होने का सपना देख रही हो, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ही आसान है। हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझती है, उसी तरह हर बहू को अपनी सास को माँ समान ही समझना चाहिए, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में घर परिवार के बड़े बड़े लोगों जैसी बातें कर रही हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? ये सब मैंने अपने घर से ही सीखा है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए ना। बताने से समझ में नहीं आएगा, रूबरू होना पड़ेगा। हमारा घर धरती पर स्वर्ग जैसा है। ये रहा हमारा स्वर्ग जैसा घर, आनंद विला। हमारा घर सिर्फ रेत ईंट सीमेंट से नहीं बना है, और भी बहुत कुछ से बनाया गया है, जैसे कि ममता, प्यार, खुशी, सम्मान, इन सबको मिलाकर बनाया गया है। ये हैं मेरे दादाजी शिव नायक, ये हम सबके लिए एक देवता समान इंसान है। बौरानी। हाँ पापा। फालतू में बत्ती जल रही है, उसे बुझा दो। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? इसने अपना खिलौना तोड़ दिया है और नए खिलौने के लिए जिद कर रही है पापा। ठीक है तो ला के दो ना। ठीक है पापा। बिना मतलब का एक रुपया खर्च नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए हजारों रुपए लुटा देंगे। ये हैं मेरे दादाजी के गोद लिए हुए बेटे शिवराज प्रसाद। ये हैं मेरे छोटे चाचा शिवराम, और ये हमारे घर के सबसे लाडले हैं। घर का और बाहर का सारा काम ज्यादातर यही देखते हैं। और ये हैं मेरे बड़े चाचा शिव शंकर जी, ये हैं हमारे घर के मास्टर जी। क्यों रे नालायक, तेरे मार्क्स बहुत कम आए इस बार, मार खानी है क्या? पढ़ाई में दिल नहीं लगता तेरा हैं? अरे रो क्यों रहा है, मार्क्स कैसे कम आए तेरे, पढ़ाई करनी है कि नहीं? अरे बोलना पड़ेगा कि नहीं? क्या हुआ बेटी, कहाँ ले जा रही हो? दिन भर खेलता रहता, पढ़ाई नहीं करता, मार खानी तुझे, दूं एक? क्या हुआ शिवा? क्यों नहीं दे रहा? क्यों चिल्ला रहे हो? पापा वो ये क्यों रो रहा? कुछ नहीं पापा, इसके मार्क्स बहुत कम आए, इसीलिए मैं इसे डांट रहा था। ये है शिव प्रसाद जी की बीवी शारदा देवी। हमारे यहाँ सिर्फ इंसान को ही नहीं, जानवर, परिंदे, सबको समान रूप से प्यार मिलता है।
ये है शिवराम जी की बीवी उमा देवी। ये है शिव शंकर की बीवी मेरी बड़ी चाची। इन दोनों का काम है पूरे रसोई घर को संभालना। और ये है मेरे पिताजी शिवराज जी। इनका काम हमेशा बाहर का काम संभालने का होता है। और ये है मेरी माँ घर की मालकिन। इतनी सुशील है कि इनकी संगत में हर औरत हीरा बन जाए। 5 रुपए से लेके 5 करोड़ तक सारा पैसा और हिसाब किताब मेरी माँ ही देखती है। इस जन्नत के खजाने की चाबी इनके पास ही रहती है। ये है मणि भाई हमारे घर का काम काज संभालते हैं। यह है कमला दीदी मणि भाई की धर्मपत्नी। हमारे घर में इन्हें कभी नौकर की तरह नहीं रखा गया, घर के सदस्य की तरह ही रखा। और ये हमारे घर का हीरो शिव प्रसाद जी का बेटा मोहन। हमारे घर का सबसे लाडला इंसान है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इसके साथ हमारे घर के सारे बच्चे हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। और ये मेरे बड़े दादा, दादाजी के बड़े भाई साहब शिव भोला जी। बहू मेरा बेटे को लेके अब अलग रहने जा रही है। अब मुझ जैसा बूढ़ा क्या करेगा? अब कुछ भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। वो होगा, हम लोग हैं ना, क्यों डर रहे हो? नमस्ते बेटी, कैसी हो? चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान, हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। हाँ लाभ। नमस्ते, कैसी हो बेटा? ठीक हो? क्या करूं बच्चों, कैसे हो तुम लोग? जाओ जाओ जाके क्यों जाओ, चलो 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 चलो। क्या बताऊं शिवा, यहाँ आने के बाद मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। सबके लिए माँ के गोद में जन्नत होती है, लेकिन हमारे यहाँ दादाजी के गोद में जन्नत है। वो हमारे घर के सबसे बड़े नायक हैं। हमारे यही है मेरा परिवार। पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। हाँ तो अब क्या प्रॉब्लम है? पसंद आ गई ना तेरे को, तो ये बात जाके अपने माँ बाप को बता दे। अगर मैं माँ बाप से जाके कह दूं, फिर वो जाके बात कर ले, तब लड़की के घर वाले आनाकानी करके इस बात को टाल दे, तो मिलने से भी गई, सपने से भी गई। ए, तुझे पता है ना, वो सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आई है, और वो मुझे जरूर मिलेगी। वो कैसे? देखो यार, वो मुझे पसंद है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तुझे पसंद आऊं तो क्या प्यार करोगे? कोई तो रास्ता होगा। प्यार करके शादी करने में कोई बुराई नहीं। अरे आजकल शादी से पहले सबको 10 बार सोचना पड़ता है। 10 बार सोचकर शादी करने के बाद भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। पता है क्यों? क्यों? उनका मन नहीं मिलता है। मन मिलने के लिए उन दोनों में प्यार होना जरूरी है, लेकिन प्यार होने के बाद भी कामयाब होगा कि नहीं ये किसी कुंडली में नहीं लिखा है मेरे यार। तो फिर अब क्या करें, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। ना तो तुझसे प्यार होगा और ना ही तेरी शादी होगी। तू अपना सारा काम छोड़ के एक लड़की के पीछे पागल क्यों है? अरे प्यार में ऐसा क्या रखा है यार? मुझे भी कुछ पता नहीं है यार। वो क्या है ना यार, प्यार का नाम लेता हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भले ही प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है, अंत में सब ठीक हो जाता है। उसमें तड़प है, इंतजार है, इसे प्यार कहते हैं। इसी से मुझे डर लगता है। चल यार चलते हैं। देख तू तो माँ बाप से अपनी ये बात बताने वाला नहीं है, तो फिर तू अब क्या करेगा? उसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही जानने के लिए निकल पड़ा हूँ। अरे ये तू कहाँ ले आया यार? अरे यहाँ तो हमें कोई भी नहीं पहचानता। तू क्यों घबरा रहे यार, इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी अपने हैं।
सुनिए। हाँ? थोड़ा संभल के, पैर मुड़ गया तो मोच आ जाएगी। ए, अब आएगा क्या? ए, चुप रहना। हाँ? क्या यार, मैं तो यही फिल्म बना रहा था यार। यही है क्या? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। नमस्ते जी, मेरा नाम करण है, मैं चेन्नई से आया हूँ। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे एक मिनट बात करनी है। देखा ना, तुम ना गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल संगे मरमर की मूरत जैसी। एक बार मुस्कुरा देती तो एहसान होता। सुनिए, एक दिन ही सही, चार दिन ही सही, या फिर 40 दिन ही सही, तुमसे एक मिनट बात किए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूँ। योहू। अरे रुकिए रुकिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम शर्मिली हो, वो क्या है ना, तुम सोच रही होगी कि मैं इससे बात क्यों करूँ और इसकी बात मैं क्यों मानूँ, ये भी सही है। सुनो सुनो, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ एक मिनट मैं मांग रहा हूँ। हाँ, सोचा होगा, मुझे सिर्फ एक ही मिनट चाहिए, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा, नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, करवटे बदलता रह जाऊंगा। मैं तुमसे एक मिनट बात किए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, करण बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। हाँ सलमा, हाँ मैं तलवार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरे लिए कर दे यार। हाँ ठीक है, भेज दूंगा, मुझे कल ही चाहिए। ओ ये बात है, जरूर भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा। भेज देगा ना। माधुरी बेटा, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है बेटा। उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगी। एक होता तो मैं पेटी में डाल देता, गाड़ी भर कर आई है, खुद आके देख लो। तुम्हारी जिंदगी में से एक मिनट का वक्त चाहिए मुझे करण। तुम्हारी जिंदगी में से एक मिनट का वक्त चाहिए मुझे करण। इसमें भी वही लिखा है, ये क्या इतना लेटर किसने भेजा? ए, तू जरा एक मिनट चुप रह सकती है? वो तुमसे एक मिनट बात करने के लिए मांग रहा है। पहले तो मिलने की उम्मीद थी, अब वो भी गई। अब तू मेरा बात मानेगा? देख तू ये सब घर पे बता दे अपने, नहीं तो एक दिन तू विलेन बन जाएगा। तू ही क्या, मैं भी अभी नाउम्मीद हो गया हूँ। अरे हम लोग तो अपना वजन कम करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये किस लिए दौड़ रहा है? इसे गैस ट्रेवल हो गया, इसलिए दौड़ रहा है। रुको, तुम लोग क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? फोड़ के रख दूंगा। देखा मैंने कहा था ना। Thank you.
देख तलवार, जल्दी आ। क्या है? ये देख यार, इस घर के अंदर जाना उतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ करना होगा। ये तो क्या कह रहा है, वहां हमें कीला ठोकने के लिए भी इजाजत नहीं मिलेगी, कुछ करना तो दूर की बात है। एक मिनट, क्या ढूंढ रहा है? कोयम्बतूर में सबसे अच्छा इंटीरियर किस घर में है, मैं यही देख रहा हूं। ये देख, बहुत बढ़िया है, किसका है? अरे यार, हाँ? आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने जिसे बनाने में 4 साल लगा दिए हैं, वो तुम 4 दिन में पूरा करने की बात कर रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। देखिए बहन जी, इंसान बिना सपने के जी सकता है, लेकिन सपना देखने के बाद कैसे भूला जा सकता है? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरा सपना है, मैं संभाल लूंगा। वो तो ठीक है, ये काम तुमको कैसे मिल सकता है? उसकी भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं रास्ता निकाल लूंगा। ये क्या कह रहे हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ये बात है, तो उसमें खर्च कितना लगेगा? 50 लाख। मैं ये काम 25 लाख में पूरा करके दूंगा। कैसे? आप पैसे के लिए काम करती हैं, मैं अपने सपने के लिए कर रहा हूं। अरे यार, अरे वो जिस तरह यहां से सोचते हुए गई है, लगता है हमारा काम बनने वाला है। काम बन गया, वो हंस रही है। बेटा, ये हमारे पुरखों का घर है, 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसको हम नए ढंग से सजाना चाहते हैं, ठीक से काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। गुड़िया रानी, नमस्ते। नमस्ते जी। आओ बेटी, ये मेरी पोती है, इस घर की गुड़िया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती से बता देना, तुम्हें जो चाहिए ये इंतजाम कर देगी। ठीक है जी। भाई साहब, ये हमारे घर के सबसे लाडली, जो तुम काम करोगे इसके पसंद से ही करोगे, इसकी पसंद ही हमारी पसंद है। ठीक है। दादाजी, मैं काम करने से पहले हर चीज का फोटो निकालना चाहता हूँ। निकाल लो बेटा। माधुरी जी, एक मिनट। सामने का बंद दरवाजा खोल देंगे क्या? मुझे फोटो निकालनी है। हाँ
देखती हूँ। इसके लिए ये कलर ठीक रहेगा। इधर क्या? नहीं इधर। ये वाला? ये येलो पेंट करेंगे तो कैसा लगेगा? अरे चुप रहे ना यार। चुप रहो। इसके साइड में ये लगाने के बाद एक कोटा और मार, समझे? ए रुक जा, इसे उधर लेके जा, जा, जाना। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। ए, ऊपर छोड़ छोड़ के पेंट क्यों कर रहा है? अरे तलवार जहाँ छूट गया है वहाँ देख के लगवा लेना। ओके ओके मैं करा रहा हूँ। अंकल एक काम कर दो ना। हाँ बोलो क्या काम? आपने पेंटिंग तो बहुत अच्छा किया है अंकल, एक घर बना दो ना। ऐसा है क्या? मैं घर बना के दूं और तुम लोग उसके लिए मार्क लो, ये ठीक नहीं है। मैं बता देता हूँ, तुम लोग अपने हाथ से अपना घर बनाओ। ठीक है आओ, ये यही रहने दो। ए इसको उठा के ऊपर रखो, ऊपर लगा के चिपकाओ। हाँ और तुम क्या कर रही हो? ये दोनों को ऊपर रख के, हाँ इस तरह इस तरह इस तरह। संभाल के टूट जाएगा। ठीक से चिपकाया है ना? हाँ ये हो गया घर। हाँ देखो घर तैयार हो गया, घर हो गया समझो। हैं देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। इसे संभाल के यहाँ लगाओ। ए, क्या देख रही है? आके बैठ जा, नहीं तो बाहर जा। वो क्या है ना अंकल, तुम इसे नहीं जानते, ये मेरी बड़ी बहन है, हमेशा हमारी मजाक उड़ाती है। चलो ठीक है, इसको धीरे से यहाँ रखो। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। हाँ पौधा इधर लाओ। हाँ ये चिड़िया इधर लाओ, लाओ लाओ जरा संभाल के, नहीं तो उड़ जाएगी क्या। हाँ रखो इसे, हाँ अपने हाथ से रखो। हाँ ये तुम लोग का घर तैयार हो गया। अरे करण, अरे ये कोई परिवार है क्या? अरे ये कोई परिवार है? अरे ऐसा परिवार तूने कहीं देखा है क्या? ए, क्या भाई यार क्या कह रहा तू? अरे और नहीं तो क्या, अरे इस परिवार में झगड़ा नहीं हो रहा यार। देख मनमुटाव नहीं है, कोई भी अनबन नहीं है, ऐसा कैसे होता है? कोई भी ऐसी लफड़े वाली बात नहीं है। अरे ऐसा परिवार मैंने पहली बार देखा यार। अरे करण, अरे वो बांध के रखे हुए कुत्ते वो तक हम पे नहीं भौंक रहे हैं यार। देख देख कुत्तों में भी कितनी इंसानियत है। लेकिन वो जो बुढ़ऊ है ना, वो प्यार से क्यों चलता है? अभी ये घर देखो कितने साल पुराना है। तो क्या, ये इनके पुरखों के घर में इनके चाचा मामा ताऊ, अरे बाप रे बाप रे बाप, इसे तुड़वा कर चार माले का बिल्डिंग बनाते हैं और सब लोग अलग अलग रहते खुशी से। हा? इधर ये उधर वो, ये सब साथ में रहते हैं खिचड़ी की तरह। देख यार, भगवान और भगवान के मंदिर दोनों पुराने होते हैं, तो क्या हम उसे तोड़ देते हैं? वो तो श्रद्धा की बात है। इसी तरह इस घर वालों के प्यार की बात है। अरे यार जैसा तू कह रहा है ना, उस तरह हजारों घर मिल जाते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे का दिल नहीं मिलता। दूसरी मंजिल पे किसी का जन्मदिन होता है तो तीसरी मंजिल वालों को पता ही नहीं चलता। चौथी मंजिल पे अगर झगड़ा हो जाए तो पांचवी मंजिल वालों को पता ही नहीं चलता।
इसलिए आज शहर में खून खराबा, चोरी डकैती जैसी बातें आम हैं। ए, इस तरह से प्यार मोहब्बत से मिलकर जीने वाले परिवार बहुत कम मिलते हैं। है? हम लोग इनकी तरह रह तो नहीं रहे ना, लेकिन हम लोग इनको देखकर खुश तो हो सकते हैं, है ना? अरे अरे अरे, इसको यही रख दो। हाँ डालो, हाँ हाँ और डालो। बस क्या? हाँ हाँ और डाल दो, पूरा डाल दो। हाँ मिलाओ अब, हाँ और मिलाओ। हाँ कलर बदला? कलर बदल गया। हाँ हाँ। अरे 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 अरे, अकल के अंधे, तू कपड़ा क्यों फाड़ रहा है? मेरी बीवी मुझे देख लेगी तो कच्चा चबा जाएगी मुझे, इसीलिए मैं फाड़ रहा हूँ इसको। अरे वाह, अपनी बीवी से तू इतना डरता है? और नहीं तो क्या। तू रुक, मैं तुझे एक नया आइडिया बताता हूँ। अरे तुम बहुत बहादुर मर्द हो यार। वो तो हूँ। चल आज तेरी बहादुरी का इम्तिहान लेते हैं। हाँ चलो, मैं डरता हूँ क्या? देख तुझे थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। क्यों दीवार पे हाथ रख के कलर मैला कर रहे हो? मेरे हाथ को एक जोर से मुक्का मार। आहिस्ता मारू या जोर से मारू? जोर से यार। तो फिर अब मेरा मुक्का देखो। अबे गधे, तेरे मारने से पहले मैंने हाथ डाले, तू ये दिखा नहीं? बीवी मारते समय उसका हाथ पकड़कर उसको एक तेज की फाइट दे दे, उसके बाद तेरी बीवी तेरे को मारेगी नहीं। इसे ले जाके उस तरफ रखो, यहां आओ। इसे बाहर ले जाकर रखो। क्या है यार? सच में तू बहुत अच्छा गाता है यार, गाना तूने कहाँ से सीखा? क्या फायदा यार, घर का हर सदस्य मुझसे बात करता है, मगर जिसे करना चाहिए वो ही नहीं करती। ओह ऐसी बात है। चांद रोशनी की पहचान। चिच्चोर। वेलकम, आइए आइए। मैं प्रेमनाथ, मेरी पत्नी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। झूठ मूठ के कर दिया होगा। जी हाँ। ये लीजिए मेरी तरफ से। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते जी। एक घर को सजाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो इस बुक में है, इन्हें अपने पास संभाल कर रखो, तुम्हारे सपने को हकीकत में बदलने में ये किताबें बहुत काम आएंगी। उस घर के इंटीरियर और कलर के साथ साथ उस घर के नए रंगों में मैं तुम्हारे प्यार को भी रंगा हुआ देखना चाहता हूँ, तुम दोनों को शादीशुदा देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। कैसे लगे मेरे हीरो? बहुत ही बढ़िया। करण, तुम्हारे सपनों के बारे में जब से बताया है वो बार बार पूछते रहते हैं। ऐसा क्या? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसमें क्या बात है, कल ही मिला देता हूँ। ठीक है, ये उधर का है ना? नहीं नहीं, उस दीवार को ये कलर लगाओ। बदलेगा नहीं ना? मैंने कह दिया ना यही कलर लगाओ। ठीक है। आइए आइए। नमस्ते, कैसी है? अच्छी हूँ। क्या लेंगी आप? बस कुछ नहीं, काम तो बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। यही है क्या? यही नहीं है। ओह, ये लीजिए ना। थैंक यू। तुम लोग? नहीं कोई बात नहीं, आप लीजिए। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। ये तो नहीं? नहीं, ये उसकी माँ है। मुझे आपने बुढ़ा बना दिया।
अरे आप थोड़ी देर सबर तो कीजिए। और सबर नहीं हो रहा है। आपको इतने जल्दी है तो मुझे। ए तलवार ए। हेलो। हाँ? मेरा नाम प्रिया है, तुम माधुरी हो ना? जी हाँ, बैठिए ना। मैं और करण एक ही जगह काम करते हैं, काम कैसा चल रहा है यही देखने आई हूँ। आप लोग कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 5 साल से। ओ, आपके परिवार में आप अकेली औरत हैं क्या? नहीं, बहुत सी औरतें हैं, लेकिन वो सब हमसे बड़ी हैं। ओ, करण उन सबसे घुला मिला हुआ है, उसके बिना किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, सबको हंसाता रहता है ना। एक दिन हमारे घर नहीं आता है तो घर पूरा सूना पड़ जाता है। 2 दिन से उससे मिली नहीं हूँ, इसलिए मिलने चली आई हूँ। तो ये बात है। हाँ। अब मैं चलूँ क्या? अच्छा जी, क्या आपकी शादी हो गई है? हो गई है। अगस्त तो आएगा तो 2 साल हो जाएगा। अब मैं चलते हैं। हाँ जी। ये ले पकड़, संभाल के गिरना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ उसे संभाल के लटका। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा करण, उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ है। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ ऐसा लगा, कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। तुम ये सब कर रहे हो किस लिए? प्यार में तुम सब पागल नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलूं क्या मैं? ठीक है, चलती हूँ। अरे अरे करे करन, मैं गिरा। अरे संभाल के, गिरेगा क्या? अरे संभाल के काम कर, नहीं तो गिरेगा तो हाथ पैर टूटेगा। देख ना छोटे, पानी में चलने वाली बोट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया और कैसा सजा दिया, बहुत बढ़िया लग रही है ये। हाँ भाई, बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया। ये लड़का तो मिट्टी को भी सोने की तरह चमका देता है। जी हाँ। ये देखो, भाई पत्थर की मूर्ति है। ये भी तेरी भाभी की तरह सुंदर है, धीरे बोल वरना वो सुन लेगी। सारा काम खत्म हो गया, आ रही है। अब उसको कुछ इनाम देना चाहिए, उसे अंदर बुलाओ। बेटा ये तुम्हारी मेहनत की मजदूरी नहीं है, ये हम सब की तरफ से एक छोटा सा नजराना है, खुशी खुशी ले लो इसको बेटा, ले लो। हाँ ले लो यार। बहुत शुक्रिया बेटा। ये बताओ कि हमारे घर के सामने पुतला लगाने की तुम्हें क्या सोची? वहां पे उस चीज की जरूरत थी। ठीक है ठीक है, ये पूरा काम सब अच्छे से हो गया है, इसके लिए हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें समझ में नहीं आ रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत छोटे मोटे काम बाकी है, 2 दिन में हो जाएगा। नमस्ते। अच्छा तो फिर चलो। नमस्ते। देखा, सभी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की। हा? लेकिन वो लड़की मूरत जैसी खड़ी है, उसके दिल में क्या है मैं जान नहीं पाया यार। समझ ले, तू घर के बजाय उसके दिल को चमका दिया। मेरे भी समझ में नहीं आया। Thank you.
तुम्हारी जिंदगी में से एक मिनट का वक्त चाहिए मुझे करण। यहाँ किसने रखा? आपने मेरे कमरे को बहुत अच्छी तरह सजाया है। मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा। ये तो मेरा काम था, मैंने किया, रहने दो। प्लीज ले लीजिए ना। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काम खत्म होने के बाद देख लूंगा। भाई साहब, क्या है ये? तो असली लग रहा है। ए, जाओ अपना काम करो, जाओ। इसे जी भर के देखने तो दो। अरे जाने के लिए कहा ना, जाओ ना। ये वो एक मिनट शुरू होता है अब। अरे 30 सेकंड तो निकल गया, कहाँ है वो? एक मिनट पाने की खातिर यह सब कर रहा हूं, मुझे वो चाहिए। तुम्हारा ये सारा परिवार आज मेरे लिए परिवार बन चुका है, उसी तरह मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। हर कोई कहीं ना कहीं जन्म लेता है, कहीं पलता है, कहीं फूलता है, कहीं बड़ा होता है। यही संसार का नियम है, इसी तरह चलता रहता है, चलता रहेगा हमेशा हमेशा। लेकिन एक दिन अचानक उसका दिल किसी पे आ जाता है जो संसार में उसे सबसे प्यारा होता है। तुमने कह दिया ना? हाँ, मैंने अपने दिल की बात कह दी, मगर उसके दिल में क्या है कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए दिल घबरा रहा है। देखा ना, उसका दिल जीतने के लिए 25 लाख रुपए डाल दिया, एक चूहे का बच्चा नहीं मिला। ए, घबराओ नहीं, कोई भी लड़की शुरू में ऐसी ही होती है, वो तुम्हारे देखते ही तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चली आएगी। उसको भी तो थोड़ा डर होगा ना, सोच समझ कर कदम उठाएगी ना। पता है क्यों? औरत का सबसे बड़ा गहना होता है शर्म, वो बाद में कहेगी। अब मेरे हीरो को देख लो, 10 साल वो मेरे पीछे घूमे हैं, तब जाके तरस खा के मैं हाँ बोली। इसका मतलब मुझे 10 साल उसके पीछे घूमना होगा? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। Thank you.
एक मिनट। ओके। नमस्कार। नमस्ते। मुझे पहचाना क्या? आप प्रिया जी हैं ना? अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम भी याद है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। काम पूरा हो गया? काम पसंद आया? बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मुझे, मेरे दादाजी को, पूरे परिवार वालों को। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं क्या? करण को इस काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? वो ये सब तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का प्यार पाने के लिए वो यहाँ इस तरह मजदूरी कर रहा है। इस दुनिया में तुमको सभी कुछ पता है, मगर एक बात नहीं पता। तुम्हारे दिल की बात। वो तो कई दिन पहले ही तुम जान चुके हो। Thank you.
तुमने मुझसे पहले किसी और से प्यार किया है क्या? जी हाँ। क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? बहुत बहुत खूबसूरत है। मुझे उसे देखना है। देख लेना। अभी देखना है। अभी देखना है। ठीक है चलो। आओ ना। तुमसे पहले मैंने जिसे चाहा वो लड़की इन बादलों में नहीं, इन जंगलों में नहीं, यहां है। आके खुद देख लो। क्या कर रहे हो? हे, कहां जा रहे हो? अरे रुको तो, रुको। ए, ए, बताओ तुमने पानी में पत्थर क्यों फेंका? हाँ? मैं पूछ रहा हूं, बताओ। ए, तुम रो क्यों रही हो? माधुरी, बताओ ना क्या हुआ? ए, बताओ ना क्या हुआ? ए माधुरी, ए, बताओ क्यों रो रही हो? हाँ? मैं तुम्हारे सिवा किसी और की परछाई नहीं बनना चाहती। ऐसा कैसे सोच लिया? कैसी हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मैंने आपके लिए एक चांद जैसी खूबसूरत बहू ढूंढ ली है माँ। बेटा, मुझे बहू को देखने के लिए बहुत मन कर रहा है। बहू को देखना चाहती हो ना, तो छत पे आ जाओ। छत पे तो कोई नहीं है बेटा। माँ, अपनी नजरें उठाकर देखो। क्या बेटा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है बेटा, आसमान में एक चांद है। उसी चांद जैसी तुम्हारी बहू है। ये बात है। हाँ।
आप सभी लोग आ गए। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। कहिए क्या बात है? बेटी की शादी तय हो गई है, इसलिए दावत का कार्ड देने आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बेटी की शादी कर रहे हैं। मैं परिवार के साथ आऊंगा। अच्छी बात है। लड़का कैसा है? अपनी बिरादरी का है ना? नहीं भाई साहब, लव मैरिज है। छोटे जी, इन्हें विदा कर दो। हे, तुमसे बात करते हुए गुजरते वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम क्या हुआ? ये अभी भी 8-10 पर रुकी है, खराब है क्या? नहीं, इसे मैंने रोक रखा है। क्यों? कोई भी नई घड़ी को देखना, वो हमेशा 10-10 पे ही रुकी रहती है। बताओ क्यों? वो उनके काम का कोई राज होगा। उसी तरह माधवी, हिरोशिमा में एक घड़ी अभी तक 8:15 पे रुकी है। बताओ क्यों? वहाँ 8:15 पर एटम बम गिरा था इसलिए। लेकिन तुमने अपनी घड़ी 8:10 पर क्यों रोक रखी है? वो इसलिए, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सपना, इसीलिए मैंने ये टाइम सेट कर रखा है। एक बात कहूं, तुम ही मेरे पहले और आखिरी सपना हो। करण, मैंने तुम्हें अपने सांसों में बसाया है। मैंने उन लोगों से बात कर लिया। हाँ, भैया वो लोग राजी हैं। माल भिजवाने की तैयारी करूं? कह दिया ना? हाँ कह दिया भैया। अरे बड़े भैया, आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? शिवा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। शिवा बर्बाद हो गई। भैया आखिर बताइए हुआ क्या है? मेरी बेटी को उसने बाहर निकाल दिया, कहता है वो उसे पसंद नहीं है। ये शादी को पहले से ही मैं तैयार नहीं था, आप क्या करूं? अब ये बुड्ढी हड्डी में इतनी ताकत नहीं मैं किसी से लड़ूं। बेटा क्या किया जाए? अब जाके उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। आने का स्टाइल तो देखो। यहाँ पर क्यों आए हो? अपनी घरवाली को तूने धक्के देके बाहर निकाल दिया, यही तुम लोगों की शराफत है क्या? शांत रहो बेटा। तुम बताओ बेटा क्या बात हुई है? क्यों तुमने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है? बताओ उसका कसूर क्या है? मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं है इसका क्या मतलब है? तूने कहा था ना कि अगर शादी करा के नहीं दूंगा तो तू अपनी जान दे देगा। अभी कह रहा है मुझे पसंद नहीं है। अगर बेटी से कोई गलती हुई तो उसे बताओ, हम उसे समझाएंगे। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बताओ, हम देंगे। हम अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिना किसी कारण के घर से बाहर क्यों निकाला? मुझे वो नहीं चाहिए, मैं नुकसान भर दूंगा। ए नीच नालायक, तेरे जैसा धोखेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। देखिए भाई साहब, हमारे दरवाजे पर आकर चिल्लाइए मत, हमारी भी कोई इज्जत है। सारा गांव जानता है कि तुम कितने बड़े इज्जतदार हो। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं वो इज्जत की बात करता है। चुप रहो बेटा, बात बढ़ानी नहीं है, उसे खत्म करनी है। तुम बताओ बेटा ऐसी क्या बात हो गई? सारी बात मैंने उसके बाप को बता दी है, आप उन्हीं से पूछ लो। चलो पिताजी। देख लिया, मैंने मना किया था लव मैरिज मत कराओ। नतीजा देखा, तुमने कहा कि ये जी नहीं पाएगी, अब आंसू बहाए जिंदगी भर। कल वो किसी और से शादी कर लेगा, हमारी लड़की का क्या होगा? बच्चे को गोद में लेकर के आंसू बहाती रहेगी। बड़ा प्यार, प्यार करते हैं। आंसू पोछने के लिए आज तुम हो, कल क्या होगा? इसलिए मैं अपने घर में किसी को भी प्रेम विवाह की अनुमति नहीं देता। ये जो प्यार है, प्यार नहीं करते, दुश्मनी करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था, मगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में उस समय नहीं आई। उस समय तुम बेटी के प्यार में अंधे थे। अब सर पर हाथ रख करके जिंदगी भर रोना।
खूबसूरत जगह है। इतनी दूर आए इसलिए बहुत डर लग रहा है। क्यों डरती हो? ये तो हमारा गांव है, हमारे पुरखों का गांव। आओ। करण, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को कोयल, मोरनी, हिरनी, न जाने क्या क्या नाम से बुलाते रहते हैं। तुमने मुझे कोई नाम नहीं दिया है अभी तक। अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें दूध या शहद जैसा नाम नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि शहद को जरूरत से ज्यादा नहीं खा सकते। तुम मुझे जन्मों जन्मांतर के लिए मिली हो, अमृत बनके। समझी ना? अरे रुको तो। छोटा सा तोहफा लाया हूँ। क्या है? इसके आगे लाखों करोड़ों भी कुछ नहीं, अगर तुम्हें पसंद आ जाए। ये आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इन लहरों को देखने से ऐसा लगता है कि समुंदर में तूफान आने वाला है। नहीं यार, ये हमेशा आने वाली लहरों की तरह है, इसमें तूफान वाली कौन सी बात है। छोड़ो भी, चलो। आसमान में उड़ते पंछी पतंग की तरह लगते हैं ना, देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, शिकारी अपने शिकार को देख रहा है। कभी भी सीधी तरह बात करनी नहीं आती तुम्हें। हे, सर उधर देखो सूरज को, माथे की बिंदिया की तरह दिख रहा है ना। नहीं बाबा, रोज की तरह साधारण सूरज डूबता वैसा ही तो है। ए, तुम इन लहरों को नहीं पहचान पाते क्या? ये लहर, वो बादल, ये सूरज, सब सपने की तरह तो है। तुम जब मेरे करीब होती हो ना, तो इन सबसे ज्यादा बहुत 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 सच्ची लगती हो। ए, जाओ ना। तुम्हारा नाम जाओ ना। मेरी बाहों में आओ ना। खेल है। चल पकड़। अरे क्या हुआ? लग गया क्या भाई? ए क्या हुआ तुम्हें? लगा क्या? चलो। ए रुक रुक। ए रुक इधर। ए रुक इधर। ए जा रहा है। ए रुक इधर। ए रुक। पौशाला बनता है। खेल शुरू करके आधे में छोड़ के जाना ठीक नहीं है। चला खेलना। चाबी दो मुझे, गाड़ी से उतर। बहुत काम है। हां चला जा। ए चल चल चल, मेरी बात मान। हां टाटा चाबी दे। चल चल उतर गाड़ी से उतर। हां टाटा उतरना। तू भी इस देश वाला है ना, वीरों की मिट्टी है ये। हाँ चला खेल, आजा। अरे मुझे नहीं खेलना, चाबी दो। बोला ना। हाँ उतरना। ए तू चुप रह, मैं बात करता हूँ। ए ना मर्द, इसके साथ नहीं, हम लोग इसके साथ खेलेंगे। ए आना चला। ए, इज्जत से चाबी दे दो, मैं लफड़ा नहीं करना चाहता। ए,
इसी गांव का हूं मैं भी, ना मर्द नहीं हूं। तुझे मेरी मर्दान की देखनी है। बिना लफड़ा किए खाना हजम नहीं होता। चर्बी निकालू क्या? आप यहाँ पे आए और आपके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए हमें खेद है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बेटी आप मुझे अपने घर का नंबर दो। डरने की बात नहीं है, दे दो। हेलो कौन? मैं पुलिस स्टेशन से ऐसा ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है? जी हाँ माधुरी, आपकी लड़की है क्या? वो एक लड़के के साथ में पुलिस स्टेशन में है, आप यहाँ पर आ जाइए। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। उस बच्ची को यहां बुलाओ। आपकी बच्ची को हम इज्जत के साथ आपके हवाले कर रहे हैं, यहाँ पर आप साइन करके उसे ले जा सकते हो। लड़का कौन है जो हमारी बच्ची के साथ था? उस लड़के को यहां बुलाओ। करन, बेकार का जिद मत कर, आप इसको समझाइए।
सीधा अपने घर जाए, नहीं तो लफड़ा और बढ़ेगा। समझने की कोशिश कर, कहना मान ले करण, मान ले तू वहां चला गया तो लफड़ा और बढ़ जाएगा। हाँ। यार उसके माँ बाप इतने गुस्से में लेकर गए कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठे, मुझे डर लग रहा है। गया, सब कुछ गया, मान मर्यादा गया, सब कुछ चला गया। इस परिवार में जिस बात को मैंने हमेशा रोका वही हुआ। नहीं पापा, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम उसके साथ मारपीट करना चाहते हो क्या? हैं? आज हमारे घर वाले को पता है, कल पूरे गांव को पता चल जाएगा। तुम क्या समझते हो हमारी लड़की की कोई गलती नहीं है क्या? कल हमारी लड़की उसके साथ खड़ी हो गई, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्यार खोलते तेल की तरह है, जिसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, ये बात याद रखना। हमारी बच्ची की हिम्मत तो देखो, मंदिर जाने का बहाना किया और पहुंच गई केरला। गलती हमारी है, हमने उस पर विश्वास किया। हमारी आंखों के सामने ही उस लड़के ने हमारी आंखों में धूल झोंका, उसने विश्वासघात किया। पापा, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है, हमें उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास कैसे करें, उसका बापी आंखें बंद किए बैठा है। किसी भी तरह लड़की के दिमाग से प्यार का भूत उतारेंगे, जैसे उसने प्यार से जीता है वैसे हम प्यार से हटाएंगे। यही काम करो, जाओ। तुम चेहरा लटकाए क्यों खड़े हो? अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, अपना काम करो, जाओ बेटा, जाओ जाओ। नहीं गाड़ी है बेटा, तुम्हारे लिए, लेके जाओ, लेके जाओ बेटा, ड्राइवर गाड़ी निकालो। सुनो बेटा, चाबी उसी को दे दो, वो खुद चला के जाएगी। ये क्या पिताजी, आप उसको अकेली भेज रहे हैं? छोड़ो ना बेटा, मैंने कह दिया ना, वो सब जानती है हमारे खानदान की इज्जत और उसके दादाजी की शान क्या है। बेटी अब बड़ी हो चुकी है, सब समझती है, दूध पीती बच्ची नहीं है, वो समझदार है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ बेटी, जाओ जाओ गुड़िया। बार भी किसी ने नहीं पूछा, मुझे किसी ने डांटा भी नहीं, ना ही डराया, जैसे पहले मेरे साथ थे आज भी उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया। दादाजी और सबको मुझ पर हद से भी ज्यादा भरोसा है करण, यह हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत तो नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माधुरी, तुम्हारे दादा और परिवार ने जो तुम पे विश्वास किया है उस पे कभी आंच नहीं आने देना। काश के तुम जान पाते मेरा प्यार, मेरा प्यार। काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार।
काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले मेरे लिए तुम ही मेरे, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, जान ले तुझसे मेरी हर सांस है, जीने की तू ही तो आस है, तू ही रे, तू ही रे है मेरे दोनों जहां। काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले मेरे लिए तुम ही मेरे, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, जान ले तुझसे मेरी हर सांस है, जीने की तू ही तो आस है, तू ही रे, काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार, मेरा प्यार। अंदर जाओ, जाओ, जाओ। नमस्ते। आओ बेटा, कुछ पैसा बाकी रह गया क्या? नहीं दादाजी, जो मुझसे भूले उसकी माफी मांगने आया हूं। मैं किसी को माफ करने वाला कौन हूं? दादाजी, हम दोनों एक होकर जिंदगी भर का साथ चाहते हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। काम का पैसा अगर बाकी होता तो दे देता, लड़की कैसे दे दूं? नहीं दादाजी, हम दोनों के बारे में जरा सोचिए। हमने बहुत कुछ सोचा है। आपको उसका हाथ एक न एक दिन किसी को सौंपना है, तो क्या वो मैं नहीं हो सकता? हम किसी के हाथ में क्यों देंगे, जो लड़का हमें पसंद आएगा उसी को देंगे। वैसे मुझ में क्या खराबी है? क्या खराबी, तुम अपने गिरेबान में खुद झांक करके देखो। दादाजी, सच में मैं आपको पसंद नहीं हूँ। बेटा, तुम हमें पसंद आओ या ना आओ, तुम हमारे हो कौन? आपकी इस बात की मैं कदर करता हूँ। देखो बेटा, इंसान के अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दादाजी, कहते हैं मोहब्बत खुदा है,
अगर ये सच है तो एक दिन आप ये जरूर मानेंगे। तब देख लेंगे। हाँ अंकल, हाँ आंटी, आप कैसे हैं? ठीक है, तू कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा तलवार, तुमने हमारी होने वाली बहू को देखा है? वो कैसी है? आपको यहीं पर सब बता दूं क्या? घर चलिए। चलो आओ। आओ अंदर आओ। माँ आओ ना। तुमने जिस चांद को देखा था वो यही है। आओ मेरी माधुरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटी। नहीं नहीं, मेरे पास आशीर्वाद देने के लिए टाइम नहीं है। छोड़ो ना भाग्यवान, एक ही दिन में सारा प्यार दे दोगी? तुम चुप रहो जी। बेटा तुम हमारे घर बहू बनकर कब आ रही हो? अब आज ही मेरी डोली लेकर आ जाए माँ जी। सुनो बेटा, बहू ने हाँ कर दी, अगली फ्लाइट पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे। नहीं माँ, मैं चोरू जैसा भगा के नहीं ले जाना चाहता, मैं इसे राजकुमारी की तरह शादी करके लाना चाहता हूँ। उस घर में दादाजी के सिवा कोई भी हमारे रिश्ते को मानने को तैयार नहीं। अगर मैंने इसके साथ चुपचाप शादी कर ली तो उस खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। हाँ, वो परिवार भी तो अपना ही है, आज जो उनकी नाराजगी है वो कल प्यार में बदल जाएगी। उनका इसके साथ इसके जन्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है। 4 महीने के अपने रिश्ते को उससे बड़ा साबित करके इसका अपमान नहीं करना चाहता। तुम्हें बहू पसंद आई ना, इसी तरह एक दिन मैं भी उन्हें पसंद आ जाऊंगा, तब तक मैं इंतजार करूंगा मां। ऐसा होगा ना बेटा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मेरी बहू को सही सलामत ले जाकर घर छोड़ दो। ठीक है मां। हाँ, मैं चलती हूँ माँ जी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटी, चलो। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर होगा तो मैं देख लूंगा। भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? क्यों इस तरह से आप हमारा पीछा कर रहे हैं? इस लड़की से मिलना, घूमना, देखना आज से सब बंद कर दे और ये गांव छोड़ के भी चला जा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप लोगों को क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे चाचा लोग को तकलीफ है। ठीक है, अगर मैं इस बात से इनकार करती हूँ तो तुम लोग क्या करोगे? ये गया। हाँ? ऐसा क्या? हाँ? ये सब सपना देखना छोड़ दो। हाँ? Oh!
आपकी नाराजगी जायज है, इसलिए आपका जितना जी करे मार लीजिए, किराए के गुंडों से मत मरवाइए। उसे प्यार के लिए मैंने उकसाया, उसकी कोई गलती नहीं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सुनिए, मत मारिए, मैं कैसे कर दूँगी? तू क्या समझता है हम लोग चुटेंगे? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रही है। तू यहाँ तक पहुँच गया लफड़ा करने के लिए? छोड़ दीजिए। क्यों बे? छोड़ दीजिए, मत मारिए। तू अंदर जा। मत मारिए इसे। क्यों बे? काम के लिए आया था। हीरोगिरी दिखा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत? चलो अंदर, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? चलो अंदर, चलो, चलो अंदर, चलो अंदर, बोला, तू अंदर जा, अंदर जा, जाओ, बेटी को अंदर लो, मत मारिए लड़को, ले जाओ इसको अंदर, तू, अंदर लेके जाओ, चलो अंदर, मारो उसको, चलो अंदर, जिद मत कर बेटा, उसको अंदर, अंदर ले जाओ। मुझे जितना मारना है मारो, मेरे हाथ पांव तोड़ दो, लेकिन मेरी जान मुझसे मत छीनो। मेरी ये जान मेरी नहीं है, ये माधुरी की अमानत है, माधुरी की अमानत है। दादाजी, दादाजी, उन लोगों को कहिए ना कि वो लोग उसे ना मारे, रोकिए ना दादा, वो लोग उसे मार डालेंगे। दादाजी, उन लोगों को रोकिए। दोबारा दिखाई मत देना। कैसे यार, कैसे मैं उन पे हाथ उठा दूं? जैसे तुम मेरी हो वैसे वे भी मेरी अपनी है। अरे ये सब मार नहीं है, ये सब जख्म भी नहीं है, ये सब उनका मेरे प्रति प्यार है। चल पगली। उन्होंने मुझे मारा, वो अपनी जगह सही है, एक दो दिन में मैं भूल जाऊंगा, दो चार दिन में वो भूल जाएंगे। ये सब कोई बड़ा जख्म नहीं है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। तुम जाओ जाओ जाओ, कहा ना जाओ 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 जाओ। माधुरी, तुम दादाजी से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है? चलो अंदर। रुको बेटा, इसे बोलने दो। मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती क्या है? जो दिल को भाग गया उससे प्यार करना गुनाह है क्या? इस संसार में सभी से प्यार करने की सबक आप ही ने सिखाया ना दादाजी? आज जब मैं आपके नक्शे कदम पर चलने लगी हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये प्यार नहीं है, नादानी है। जैसे मैं अपने परिवार को चाहती हूँ, आपको चाहती हूँ, परिवार के हर सदस्य को चाहती हूँ, उसी तरह मैं उसे भी चाहती हूँ, तो फिर आप लोग उसे इस तरह क्यों नफरत कर रहे हैं? बचपन में ये सही बात है बेटा, ये गलत बात है बेटा।
आप ही लोगों ने सिखाया। उस रास्ते पर जब चल पड़ी तो आप ही लोग उसका विरोध करने लगे। ऊपर से मेरे प्यार को आप लोग प्यार समझने की जगह कुछ और समझ बैठे। जब पाठ पढ़ाते हैं तो उसके सवालों में उसका जवाब भी होता है, मगर हकीकत के जिंदगी में बच्चों के हर सवालों का जवाब नहीं मिलता। प्यार के नाम से आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है दादाजी? प्यार करके शादी करने में आखिर बुराई क्या है? क्या शादी के बाद ही प्यार करना सही रास्ता है? प्यार करने वालों में 10 में से सिर्फ एक ही कामयाब होता है, इसलिए मैं डरता हूँ। करण बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा बुरा लड़के से नहीं होता, खानदान से होता है, दिखावे से नहीं हकीकत से। भूख के लिए रोटी और मिठास के लिए शक्कर, समझे? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कमरे में जाओ। मैं तुम्हें शादी करके जब इस घर में ला रहा था, तब तुम्हारे बाप की कही हुई बात मुझे आज भी याद है। बेटा, मैंने अपनी बेटी को फूलों से ज्यादा नाजुक तरीके से पाला है। बेटा, उसने अपनी जिंदगी में कभी आंसू नहीं बहाया, इस बात का तुम भी ख्याल रखना कि उसके कभी आंसू ना आए। आज हमारी बेटी की वजह से हमारी आंखों में आंसू है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और मेरे लिए डूब मरने की बात है। मैंने कभी तुम्हें आंसू नहीं दिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे आंसू पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। जब ये हमारे यहां पैदा हुई थी तो पूरे खानदान में इसके पैदा होने की खुशियां मनाई जा रही थी। तब हमें पता नहीं था कि उसकी वजह से हम आज ये दिन देखने पड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं? हमें जब एतराज नहीं है तो पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा जी की मर्जी के बिना यहाँ सांस लेना भी गुनाह है। कितनी लड़कियां हैं जो प्यार करके शादी कर लेती हैं और आराम से जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन हमारे खानदान में पता नहीं प्यार से इतना क्यों नफरत करते हैं। आज वह बच्ची जिसको हमने अपने कलेजे से लगा के पाला, हमारे सामने जवाब दे रही है। वो अपने बाप से ज्यादा हम चाचाओं को इज्जत देती थी। वो आज तक शान से जिए हैं हम लोग, आज बहुत बेइज्जती हुई है, मुझे डर लग रहा है वो हमें छोड़ के भाग ना जाए। इसी बात का मुझे भी डर लग रहा है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जवान बच्ची है, मैं उसका मामा हूं, आज मुझे जवाब दिया, मुझे क्या पूरे घर वालों को जवाब दिया। कहीं वो गलत कदम ना उठा दे, कहीं अगर वो उसके साथ भाग गई तो हमारे लिए शर्म की बात है, या फिर कहीं वो जहर खा के अपनी जान ना दे दे हमारी बच्ची, उसमें हम सबकी जान बसी है। उनकी पोती भी किसी से प्यार करती है क्या? उसकी शादी नहीं करेंगे? कुछ नहीं यार, वो बाहर चले जाएंगे। तुम भी शांत रहो, ठीक है? अरे वो नहीं जाएंगे, वो तो उनकी घर की बात है। दूसरों के घर में शादी हो बड़ा रोप झाड़ते, उनके घर पे शादी होगी तो देखेंगे। ए लड़के हो रहे, लड़के हो भाई, अरे लड़के हो रहे, क्यों लड़ रहे? अरे अरे शरार रोको तो, वो समझते भी नहीं हो। आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ भैया, शादी ब्याह का घर है, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। सभी लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं। जब खूबसूरत परी साथ में हो तो दुनिया तो देखेगी ना। भैया
जरा उधर देखो। हम लोग शर्म के मारे मरे जा रहे हैं और ये हाँ उसके साथ मजे कर रही है, इधर देखो तो उसे। ए, चुप बैठो। बीच बाजार में तमाशा करना है, हैं? पूरे शहर के बीच में तमाशा करना है? मैं बच्ची को अपने साथ लाने जा रहा हूँ। कोई भी बात हो हम घर में करेंगे। धीरज रखो, हम लोग समझाएंगे। क्या हुआ भाई, शादी से इतनी जल्दी वापस आ गए? अब होना क्या बाकी रह गया है? तुम्हारी लड़की क्या कर रही है? ए, क्या हुआ इसको, इतना गुस्सा क्यों है? और ये मेरा तेरा क्या बोल रहा है तू? और कैसे करूं मैं, इतना बड़ा लफड़ा होने के बाद भी वो उसके साथ अभी भी घूम रही है। वो आजकल उसको हमसे ज्यादा प्यारा हो गया है। तुम यहाँ शान से खड़े हो, दुनिया हम पर थू थू कर रही है, हम लोग सर उठा के जी नहीं सकते। कैसी नीच औलाद बना की आपने। पैसा चला गया, मेहनत करके कमा सकते हैं, इज्जत चली गई, पूरे गाँव में मुंह काला हो जाएगा हमारा। ये क्या नाम शनाप बक रहे हो, भले ही मैंने पैदा किया है उसको, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तुम लोगों ने किया उसे, और आज सारे इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। तुम चुप रहो, ऑस्ट्रेलिया से अपने लड़के को तुरंत यहाँ बुलाओ। किस लिए? उसके साथ माधुरी की शादी करा देंगे, इसका आज से बाहर जाना बंद। वो नहीं आएगा। क्यों? वो यहाँ पे क्यों आएगा, दूसरे के जूठन अपने गले में बांधने। किसी और की नाजायज औलाद का मेरा बेटा बाप बनेगा। ए, ए, ये क्या पक रहा है? किसी और की गलती पर मेरे आदमी का क्यों सजा दे रहे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुनेगार को सजा देने की बजाय आप इन्हें सजा दे रहे हो। आई बड़ी इज्जत वाले। क्या कह रही हो बहन? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। अब इस घर में मुझे एक मिनट नहीं रहना। तुम लोग जाओ, बच्चों को लेके आओ, चलो जाओ। मेरे भाई, बच्चों को लेके आओ। तुम शांत हो जाओ, घर छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? शांत हो जाओ। मेरी लड़की के बारे में तुमने ऐसा बोला तो पता नहीं मुझे कहाँ से गुस्सा आ गया। ये सारा लफड़ा मेरी लड़की की वजह से ना, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, शायद इस घर को मेरी जरूरत नहीं, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। भाई तुम ये घर छोड़ के जाने की बात मत करो। लेके आने को प्लीज भाई, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज आप ऐसी बात मत करो। प्लीज भाई, भाई ऐसी आप, तुम्हें इज्जत प्यारी नहीं मगर हमें है भाई। प्लीज मुंह क्या देख रहा है? अरे मालिक 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 माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक। अरे जाने दीजिए मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे आप भी समझिए कोशिश करिए मालिक। मत बोलो। अरे मालिक जी, मत आओ। बड़े मालिक को देखिए, देखिए बड़े मालिक को क्या हो गया, देखिए बड़े मालिक को। मालिक 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 आपसे कह रहा हूँ मालिक, रुको रुको। अरे सुनता ही नहीं मेरी बात को। अरे 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 बड़े मालिक को क्या हो गया, आप लोग चाहिए। अरे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं चाहिए। अरे बड़े मालिक वो लोग जा रहे हैं, रोकिए, आप सुनते क्यों नहीं है? रोकिए रोकिए। अरे कुछ तो बोलिए बाबूजी, वो जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कुछ तो आप भी कुछ बड़े मालिक। अरे भाई भगवान, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। भाई प्लीज आप घर छोड़ के मत जाओ। भाई प्लीज, भाई मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हां जाने मत जाइए भाई, छोड़िए आप लोग भाई, प्लीज आप घर छोड़ कर मत जाओ भाई। भैया मत जाइए। Thank you.
गंदा निकला। पापा मुझे माफ कर दो पापा। इसकी सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ पापा। Hey, तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है बेटा? नहीं बेटा, रोते नहीं है। तुझे अपने गोद में खिला के बड़ा करने वाले चाचा, सगे बाप से बढ़कर प्यार करने वाला तेरा मामा, माँ से बढ़कर प्यार देने वाली तेरी मामी और चाची, दीदी दीदी कहकर ना थकने वाले बच्चे, इन सबका प्यार तेरे प्यार पर बलि चढ़ गया बेटी। तू रो मत बेटा, तू रो मत। चलो गाड़ी में बैठो, चलो आओ। मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे बच्चे अनाथों की तरह छोड़कर चले गए? इसी दिन का डर था। मैंने अपने परिवार को कभी भी प्यार करने की इजाजत शादी से पहले कभी भी नहीं दी थी। भैया, भैया, बड़े भाई आइए। बड़े भाई क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सोने जैसा परिवार टूट के बिखर गया भैया। सबकी खुशियों के साथ मैं भी खुश रहता था भैया, उस खुशियों में पता नहीं किसकी नजर लग गई भैया। मैं कहाँ काम करूंगा, मेरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ? घर सजाने के लिए आए थे, सारा संसार ही उजाड़ दिया भैया तुमने तो। अब तुम खुश होना भैया। मैं जा रहा हूँ। जी आओ बेटा, आओ। आज किस लिए आए हो? मुझसे क्या दुश्मनी थी बेटा जो मेरा परिवार इस तरह से बिखेर दिया? प्यार नाम का पत्थर मार करके पूरी इमारत ही गिरा दी। प्यार से रहने वाला मेरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन गया। बोलो अब क्या करने आए हो? बताओ, कुछ तो बोलो। अब क्या करना चाहते हो? बोलो, बोलो। दादाजी, 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 क्या हुआ? दादाजी, मणि भैया, मणि भैया, जल्दी आओ। भैया, भैया, मालिक क्या हो गया? दादाजी की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ठीक है, आइए, आइए, बैठिए। भैया, बड़े मालिक की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कैसे? आप जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब, भाई साहब, मैं करण बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ सकते हैं क्या? जल्दी से आ जाइए। प्रेमनगर कांदीपुरम। मालकिन। हाँ बोलो। बड़े मालिक को दौरा पड़ गया है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। दादाजी कैसे हैं? हाँ? डॉक्टर साहब आइए, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ ने?
इसे जल्दी ले आओ। ठीक है। क्या तमाशा है ये? तुम लोग के अंदर इंसानियत है क्या? क्यों बेकार महीने मार रहे हो? आप इसके बारे में नहीं जानते? चुप करो यार, तुम्हारे बाप की दवा लाने गया था वो, बात करता है। लो भाई, घबराने की बात नहीं है, अब ये ठीक है, इन्हें आराम करने दो। आप वक्त पे दवाई ले आए इसलिए उनकी जान बच गई, फिक्र मत करो। ठीक है, चलो ठीक है। जब मैं छोटा था तब मेरे पापा ने पूरी दुनिया घुमाई। पूरे संसार में ऐसी कोई चीज मुझे पसंद नहीं आई। जब माधुरी को मैंने पहली बार देखा वो मेरे मन को भा गई। उसके बाद आपका परिवार भी। जब मैंने उसे पहली बार देखा उसकी बातें, उसका ख्याल और उसने अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद पता नहीं मेरे दिल में कैसे घर कर गई। जिंदगी भर ऐसे परिवार के साथ जीने का सपना मेरा मन देखने लगा। उसके बाद उससे मिलके बात करके सपना सच करना मेरा लक्ष्य बन गया। फिर यहां आने के बाद जब मैं आप लोगों से मिला तब ये जाना कि इस दरवाजे पे कोई भी कुत्ता बनकर भी रहना चाहेगा तो क्या मैं इस घर के बागीचे का एक माली बनके नहीं रह सकता? आपके घर के बाहर एक झोपड़ा बना के भी मैं रह लूंगा, यही सोचकर अभी तक मैंने ये सब किया। इस घर के बच्चों को मिलने वाले दूध मलाई मुझे नहीं चाहिए, थोड़े से प्यार की भीख मांगी थी मैंने। और दादाजी, आपकी प्यारी कुड़िया माधुरी मेरे आंखों के सामने खून की आंसू रोए, ये मैं नहीं देख सकता। मेरे परिवार को खुश देखने के लिए, एक इज्जतदार खुशहाल परिवार की लड़की को दुल्हन बना के घर ले जाना चाहता था। आपके आंसुओं में और दर्द में मेरा सपना टूट गया। आप लोग को दुख देकर मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग यहां एक साथ रह के पहले की तरह ही खुशहाल रहिए,
मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग को दूर से ही देखकर मैं खुश हो लूंगा। पूरे संसार में अगर किसी को मैंने दिल से चाहा है तो वो तुम हो। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे परिवार की खुशियां नहीं छीनना चाहता, उन्हें हमेशा खुशहाल देखना चाहता हूं। खैर मुझे माफ कर देना। दादाजी दादाजी जाने अनजाने में आप सबका दिल दुखाया, आपका गुनहगार हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। मैं जा रहा हूं दादाजी। आओ बेटा मुझे दे, मैं पकड़ लेता हूं। आप लोग सही में लेकर आता हूं। आओ हां अरे ये घर ऐसा कौन सजाया? हां चलो आओ। नमस्ते 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 नमस्ते। प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम लोगों को गलत ठहरा करके तुम शरीफ बनना चाहते हो, कुर्बानी देना चाहते हो। कुर्बानी देने से प्यार कम नहीं होता। तुम्हारी कुर्बानी ने हमें बदल दिया, तुम्हारा प्यार जीत लिया। Ha 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 ha!